हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लॉ एंड जी अदर लीगल एग्जाम्स एंड फ्रेंड्स इन टूडेज वी आर डिस्कस ऑल द्वेश्चन ऑफ़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विच केम इन द एग्जाम पेपर ऑफ एम पी जुडिशियल सर्विसज फ्रॉम द ईयर टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई होप की ये वीडियोज आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी सो फ्रेंड्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉरJudicial Services दिस चैनल विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन एससी 41 नो सब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 20 की सब सेक्शन 1 शैल बी एनडन अनलेस द पार्टी हू सफर सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस

Honor होना जरूरी नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा इसका आंसर है वन आर्टिकल मस्ट भी मोवेबल प्रॉपर्टी देखिए जो ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज आर्टिकल मस्ट भी मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन एट बात ही मूवेबल प्रॉपर्टी की करता है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सो इसका जो ये आई थिंक क्वेश्चन फोर्टी थ्री जो है ये डिलीट होना चाहिए या फिर इसके मार्क्स सबको देने चाहिए एस फोर्टी फोर सेक्शन थर्टी सेवन टेम्प्रेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड

ठीक है तो क्या पूछते हैं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है ब्लू प्लस सिक्स तो कितना हो गया एटीन मंथ्स नेक्स्ट फोर्टी सिक्स विच न्यू रेमेडी इंसर्टेड बाय स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंजेक्शन सब्सिडिड परफॉर्मेंस टू इज दी आंसर अभी उसी की तो बात कर रहे हैं 20 20 सी नेक्स्ट ने�

टू रिस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसिव फ्रॉम दी अदर पार्टी या फिर टू मे कम्बे टू हिम विच जस्टिस मे रिक्वायर दोनों ही कर सकते हैं इस केस में तो बोथ वन एंड टू हो जाएगा थ्री इज द आंसर सेक्शन ने बता ही दिया है नेक्स्ट फोर्टी फोर ए वाइल गोइंग अप्रोड लीवस हिज फर्नीचर अंडर द केयर ऑफ हिस फ्रेंड बी बी प्लेजिज द फर्नीचर टू सी इन ए सूड फाइल्ड बाई ए अंडर सेक्शन एट ऑफ एस आर ए

विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन वन मिलियन विद इन सिटी नहीं है रोप वे नहीं है तो वन इसका आंसर रहेगा लेकिन जब स्केड्यूल देखेंगे ना तो वहां पर पॉइंट फाइव है स्केड्यूल में तो वहां पर लिखा हुआ है अंडर सोशल एंड कमर्शल इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ लिखा हुआ है थ्री स्टार एंड अबव तो वो भी आउटसाइड सिटी होना चाहिए नेक्स्ट फोर्टी सिक्स एस आर विजे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स

क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इन ए सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन फोर्टी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन नॉट बी अवॉयड या फिर कैन बी अवॉयडेड इन एडिशन टू इंजंक्शन या फिर कैन बी अवॉयड इन ल्यू ऑफ इंजंक्शन या फिर कैन बी अवॉयडेड आइदर इन एडिशन टू और इन सबस्टिट्यूशन फॉर द इंजंक्शन फोर इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट फोर्टी टू अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पावर टू कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट प्रोवाइडेड अंडर विद सेक्शन ये ट्वेंटी सी में दिया गया है तो फोर इसका आंसर हो गया ये मेंशन किया गया है फोर्टीन ए में तो टू इसका आंसर हो गया ट्वेंटी ए क्या है स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना फिर ट्वेंटी का बी क्या है स्पेशल कोर्ट ट्वेंटी सी क्या है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट नेक्स्ट फोर्टी थ्री इफ अ पर्सन इज डिस्पोजस्ड फ्रॉम

फर्स्ट ट्वेल्व पीरियड का फिर सिक्स मंथस की एक्सटेंशन है ऑन ऑन गिविंग रीजन है ना तो एटी हो गया मैक्सिमम मैक्सिमम पूछा है यहाँ पर नेक्स्ट फोर्टी फाइव प्लेंटिफ हैज फाइल्ड दूट ओनली फॉर डिक्लेन ऑफ टाइटल दो ही इज नॉट इन पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी दूट इज बार्ड अंडर विच प्रोविजन ऑफ एस आर एक्टी डिग्री कहाँ पर मैंशन की गई थर्टी फोर में तो थर्टी फोर ही इसका आंसर हो जाएगा वन इज द आंसर डिक्लेरेशन के साथ साथ उसको रिडीफ तो मांगना चाहिए ना डिक्लेरेशन टाइटल मांग लिया फिर प्रदर्शन भी तो मांगे साथ में नेक्स्ट फोर्टी सिक्स अंडर एस आर ए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज तब तो रेक्टिफाई तो करेंगे वेयर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू म्यूचुअल मिस्टेक डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन तब भी करेंगे विद इंस्ट्रोमेंट इज आर्टिकल एसोस ऑफ ए कंपनी तब नहीं होगा विद रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रोमेंट कैन बी डन विदाउट टू राइट एक्वायर्ड बाई दर्ड पर्सन तब रेक्टिफाई कर देंगे तो थ्री इसका आंसर हो गया सेशन कौन सा है ये ट्वेंटी सिक्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट Next is 41. Under Specific Relief Act, specific relief can be granted for the purpose of enforcing individual civil rights? Yes. Public interest litigation? No. Enforcing penal laws? No. 1 is the answer. Next is 42. Section 20A was inserted into the Specific Relief Act in respect of special provision of contract which are

ज द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अंडर सेक्शन फोर्टीन एफ एस आर ए द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट शेल फॉम पार्ट ऑफ द रिक्ड या फिर ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट मे नोट बी फॉम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड टू इज द आंसर दिस इज नॉट करेक्ट दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट तो एक ही ठीक होगा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है वैसे देख सकते हैं आप आगे वो भी ठीक है लिखे हुए हैं दोनों टू इज द आंसर ऐसी फोर्टी सिक्स इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच कॉम्पनसेशन हैज नॉट बीन क्लेम्ड फ्रेश सूट फॉर कॉम्पनसेशन इज नॉट मेंटेनेबल सो इज बार्ड टू इज द आंसर फ्रेश सूट लेके नहीं आ सकते क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन नी सूट फॉर स्पेसिफिकस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनी पार्ट देर ऑफ इज डिसप्रेट सूट नहीं आएगा नो सेट सूट फॉर कॉम्पनसेशन इज बार्ड या फिर इंस्टीट्यूटेड विद द परमिशन ऑफ दर्ट या फिर कैन बी ब्रॉड परमिशन ओनली इन सर्कमस्टांसिस नो ये होगा इज बार्ड वन इज द आंसर कहाँ प्रोवाइड किया गया इन सेक्शन ट्वेंटी फोर ओ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ज ऑफ दूट एंड नोइंगिकम पार्टीज ये रोंग हो गया इज द आंसर वन इज का आंसर रहेगा सेक्शन बताई दिया थर्टी फोर पे है ये क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्टी थ्री एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड कब ग्रांट नहीं करेंगे मतलब देखिए इंजंक्शन मैन रिफ्यूज काम प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन फोर्टी वन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में टू रेस्टेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ दूट इन विच इंजंक्शन इज शॉर्ट अनुसिटीडिंग यहाँ तो रिफ्यूज तो कर देंगे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये क्लोज ए है सेक्शन फोर्टी वन में

कब ग्रांट कर देंगे टू प्रीवेंट ऑन ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एंड एक्ट ऑफ विच इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी न्यूसेंस तो यहाँ नहीं ग्रांट करेंगे टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द हैज तो यहाँ पर रिफ्यूज कर देंगे टू रेस्टेन द रोंगफुली सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन सूट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री यहाँ पर मिल सकती है टू प्रीवेंट द रीच ऑफ अंट्रेक्ट दर्फॉमेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफली अनफो यहाँ रिफ्यूज हो जाएगी एज पर सेक्शन फोर्टी वन तो कहाँ पर मिल जाएगी थ्री में थ्री इज द आंसर एसी फोर्टी सिक्स स्पेसिफिक रिलीफ में भी ग्रांटेड इसलिए ग्रांट करते हैं फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स या फिर पेनल लॉज या फिर सिविल एंड पेनल बहुत पब्लिक राइट नॉ ओनली इंडिविजुअल सिविल राइट्स वन इज द आंसर क्वेश्चन नंबर इन स्पेसिफिक सेम एज अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सी पी सी या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थ्री इज द आंसर और कहान किया गया इन सेक्शन टू ई ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नेक्स्ट फोर्टी टू वट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ मैंडेटरी

एक्ट टू बी डन य कॉम्पाशन इज एन एडोक्ट रिलीज देखिए पेपर है बट उससे पहले अमेंडमेंट जो है लागू नहीं हुई थी उसके बाद यह हटा दिया गया यहाँ पर क्या डाल दिया गया फिर सेक्शन ट्वेंटी परफॉर्मेंस एज पर सेवेंटी द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्स परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूस ड्यूटी विज द कोर्ट के नॉट सुपरवाइजेबल ठीक है द कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर डिटर्मिनेबल इन तीन केसेज में जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी एज पर सेक्शन फोर्टीन

डेट ऑफ डिस्पोजेशन सिक्स मंथ द्वेशन एक्सोटी पास इन सूट प्रजेंटेडर सेक्शन सिक्सिफिक डिफेक्ट इज क्या होता है अपीलेबल रिव्यूएबल नीदर अपीलेबल नो रिव्यूएबल थ्री इज दंसर सेक्शन सिक्स में ही है ये फोर्टी वन under section 6 of specific relief act if any person disposes without his consent of immovable property otherwise in due course of law to recover possession he has to prove his title no he has to prove his prior possession yes he has to prove both no no 2 is the answer next is 42 in order to succeed in the suit for specific performance of a contract for sale the plaintiff has to ever and prove that

डेवलप्ड बाई ए विल फिर वेयर बाई डिवोलूशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन दूवल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज ऑफ वेयर बाई डिवोलूशन ऑफ सक्सेजोज ऑफ या फिर वेर बाई डिशन ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमोल प्रॉपर्टी इज ओनली अग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ तो, तो सेटलमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है सेक्शन टू बी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो वहां पर क्या लिखा हुआ डेवोल्यूशन इन इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमोल प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ

का प्रोविजन कहाँ पर है डिसीशन के बारे में दिया गया सेक्शन सेवन में ऑल्टरनेटिव प्रयोग के बारे में लिखा हुआ है सेवेंटी नाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द जुडिशन टू डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ बिकॉज इट वॉज लॉफुल टू डू सो इक्कीस सेक्शन में लिखा हुआ है इट वॉज मैंक्शन ट्वेंटी सो टू आज आंसर बट आफ्टर ट्वेंटी इसको जो है अमेंड कर दिया गया है अब सेक्शन टेंटी क्या हो गया है सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इट इज नो मोर डिस्क्रिशनरी ठीक है ना ऐसी थर्टी नाइन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिलेटेड विद किससे रिलेट करता है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन परपैचुअल या फिर मैंडेटरी इट इज मैंडेटरी इंजंक्शन फोर इज आंसर परपैचुअल कितने में है टेम्परेरी परपैचुअल के बारे में लिखा हुआ थर्टी सेवन इज थर्टी एट क्स्ट इज ट्वेंटी एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट अंडर सेक्शन थर्टी सेवन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज कौन सी होती है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी इज टेम्प्रेरी इंजंक्शन परपैचुअल कब ग्रांट करते हैं वैन ग्रांटेड सेक्शन थर्टी एट में लिखा होटी थर्टी नाइन में लिखा हो थर्टी सेवन में क्या लिखा हो टेम्प्रेरी और परपैचुअल इंजंक्शन के बारे में नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वैन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड देखिए सेक्शन फोर्टी वन में लिखा हुआ है वहन रिफ्यूज है ना तो टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वीर्ड तो इसको जो है अलाउ कर देंगे यहां पर ग्रांट कर सकते हैं जंक्शन टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट क्लियर दैट इट विल बी अ तो यहाँ रिफ्यूज कर देंगे टू प्रिवेंट ब्रीच इन द हैज प्लेटिवीज यहाँ पर भी रिफ्यूज कर देंगे प्लेटिव हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर इस पर भी रिफ्यूज कर देंगे ओके

SC 29 the grant of decree or specific performance of the court is देखिए पहले डिस्क्रिशनरी था 2016 का एग्जाम पेपर है उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 1 था बट अब जो है मैंडेटरी हो गया है आफ्टर द 2018 अमेंडमेंट सो so, अब जो अगर क्वेश्चन आएगा तो टू आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर ऑनलिन रिस्पेक्ट ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी बोथ के लिए कर सकते हैं तो थ्री इसका आंसर रहेगा सेक्शन सिक्स में इमोबल प्रॉपर्टी के लिए प्रोजेशन के लिए और एट में मूवेबल्स के लिए नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट सूड बाई पर्सन डिस्पोजस्ट ऑफ इमूबल प्रॉपर्टी शेल नॉट बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वन ईयर या फिर एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजेशन या फिर थ्री मंथ्स या फिर सिक्स वीक्स सिक्स मंथ्स सो टू इज द आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी एट एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट अंडर सेक्शन थर्टी सेवन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नोन एज देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये फिफ्टीन से सिक्सटीन में पूछा गया था क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको टेम्परी इंजंक्शन सो थ्री इज द आंसर मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ पर है थर्टी नाइन में परपैचुअल के बारे में लिखा गया ग्रांटेड इन सेक्शन थर्टी एट

प्लेंटी डॉट अक्वाइर इंटरेस्ट इन दॉपर्टीशन देर फॉर नॉट एंडल इंडक्शन अगेंस्ट रियल ओनर ऑफ सूट प्रॉपर्टी या फिर ये बिकॉज ऑफ लॉन्ग प्रोर्शनॉय टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी मेंस्ट नो यस बिकॉज पोजेशन हैज बिकम एडवर्स नहीं अब मालूम आप ही हो आपके घर है आप किसी को नौकर रखते हो वहाँ पर वॉचमैन रखते हो क्या वो ये कह सकता है कि मेरे को क्यों निकाल दिया नो no, ऐसा नहीं है उसने कोई इंटरेस्ट एक्वायर नहीं किया है वॉचमैन की नौकरी कर रहा है दैट इज ओनली अ लाइसेंस कि भाई हाँ यू आर एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज तो वन इज द आंसर एच ए ट्वेंटी फाइव प्लेटिव विदाउट हैविंग एनी टाइटल फाइल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट दिस पोजेशन बेस्ड ऑन लॉन्ग पोजेशन तो क्या होगा बिकॉज देर इज नो टाइटल डिस्पोजेस्ड या फिर लॉ रिस्पेक्टेशन बी डिपोजेस एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद ये तो क्वेश्चन और ये रिपीट क्वेश्चन है ये. To, इसका आंसर रहेगा section 6 apply हो जाएगा यहां पे नेक्स्ट विद सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड दिन वन इज आंसर एक्स ट्वेंटी सेवन इन विच कंडीशन एंड इंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके लिए देखिए आप सेक्शन फोर्टी वन इंजक्शन वैन रिफ्यूज टू एस्टी नाइन पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग या प्रोसिक्यूटिंग या क्रिमिनल मैटर यहाँ इंजक्शन मिल जाएगी नहीं मिलेगी टू एस्ट एन परसन फ्रॉम प्लाइंग टू एज स्टेटिव यहाँ भी नहीं मिलेगी वैन द्लेंटिव एज पर्सनल इंटरेस्ट इन दी मैटर पर्सनल इंटरेस्ट होगा तभी तो इजेंशन देंगे टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नोट भी स्पेसिफिकली इनफोर्ज यहाँ भी रिफ्यूज कर देंगे एज पे सेक्शन फोर्टी वन कहाँ मिल जाएगी Three is the answer. Next is twenty-four. Under Specific Relief Act, specific relief may be granted for enforcing individual civil rights. They could take a Penal laws no, both no. Repeat question asked again and again. One is the answer. Next twenty-five. The declaration given under Section thirty-four of, of the Specific Relief Act is binding on whom? Only to the party to suit, yeah, or only persons claiming through the party to the suit, trustee or trust, which is party. All of them four is the answer. Next twenty six. Which of the following contract cannot be specifically enforced as per provision of section fourteen? A contract to marry B. This is a personal volition contract. Cannot be specifically enforced. A contract with B that in consideration of rupees one thousand to be paid to him by B, he will paint a picture for B. This is a personal volition ka contract. Hai. क्ट विद्लिशर टू कम्प्लीट ए लिटरेरी वर्क ऑल्सोन कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है एनफोर्स नहीं करवा सकते आंसर रहेगा फोर इज आंसर और इलेट्रेशन जो है ना ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से लिए गए हैं पास इन सूट प्रेजेंटेडर सेक्शन सिक्सिफिक रिलीफ एक्ट इज क्या है अपीलेबल है रिव्यूएबल है नो नीदर अपीलेबल नो रिव्यूएबल थ्री इज द आंसर दिस इज ट्वेंटी फोर प्रोवाइजर टू सेक्शन थर्टी फोर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिलेट्स टू किसे रिलेट करता है सूट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एफ ए डिक्लेटरी सूट एफ ए इंजेक्शन डिक्लेटरी सूट टू इज द आंसर

माइनर एग्रीमेंट इज वर्ड एब इनिशियो है ना ये पढ़ते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थ्री इसका आंसर रहेगा वैसे यहाँ पर डॉक्टर नजदीक इसकी रेस्टिट्यूशन की एज सेक्शन 33 थ्री ओ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सी 27 सेवन वेन ड्यू टू फ्रॉड प्लेड बाई द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस इट्स रियल इंटेंशन देन अप्रोप्रिएट रेमडी वुड बी ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन रेक्टिफिकेशन परपेचुअल इंजंक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ इज दिन कहाँ है इसका सेक्शन ट्वेंटी सिक्स एस आर ए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर एनी पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर इन इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एनी पार्टी या फिर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स मलगमेटेड विदर कंपनीशन बिल्कुल ठीक है तीनों ही है फॉर इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दी डी इज द आंसर कहाँ प्रोवाइड किया गया है सेक्शन फिफ्टीन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नेक्स्ट सेवेंटी कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल कहाँ मैंशन किया गया सेक्शन फोर्टीन में ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कम्पनसेशन इन मनी इज एडोकेटली अब देखिए ये वाला जो डिलीट कर दिया गया उसके अब इसकी जगह क्या आ गया है सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन ट्वेंटी एंड इट वॉज डिलीटेड बाई दी एटीन

नेसी सेवेंटी टू एंड इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट अंडर सेक्शन थर्टी सेवन क्या बोलते हैं उसके मोनस टेम्प्रेरी इंजंक्शन से इज दी आंसर रिपीट क्वेश्चन आस अगेन एंड अगेन मैंडेटरी कितने में थर्टी नाइन में प्रपैचुअल थर्टी एट में नेक्स्ट सिक्सटी नाइन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इंजंक्शन ए कोर्ट कैन नॉट इशू कौन सी इंजेक्शन होती है इशू नहीं करते हैं पैसोल करते हैं टेम्प्री करते हैं मैंडेटरी करते हैं पर पैसो कहाँ ग्रांट करते हैं एज पर सेक्शन थर्टी एटर्टी सेवन मैंडेटरी थर्टी नाइन तो ए इसका आंसर रहेगाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ वेन कैन ही ब्रिंग अट फॉर रिकवरी एक्ट बताना है पीरियड विद इन सिक्स मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजेशन सी इज द आंसर सेक्शन सिक्स में ही मैंशन किया गया है ये नेक्स्ट सेवनटी वन टू ग्रांट डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज देखिए बिफोर ट्वेंटी एटीन इट वॉज डिस्क्रिशनरी अब जो है मैंडेटरी हो गया आज के टाइम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बी लगाएंगे मैंडेटरी नेक्स्ट सेवेंटी टू इन विच केस द कोर्ट कैन ग्रांट एन इंजंक्शन देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फोर्टी वन और सारे देखेंगे इंजेंशन वैन रिफ्यूज उटिंग जुडिशियल प्रोसिडिंग रिफ्यूज कर देंगे आंसर रहेगा नो स्टूड अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ द एक्ट फॉर रिकवरी प्रोजेशन ऑफ इमर प्रॉपर्टी मे नॉट बी इंस्टीट्यूट बाईन विदाउटेंट कब नहीं कर सकता फाइलो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ थ्री मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजिशन ये नहीं सिक्स मंथ्स की टाइम पीरियड है इफ द सूट इंस्टीट्यूटेड बाय पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम तो तो कर ही सकते हैं फिर है इफ द सूट इज ऑल्सो टू एस्टैब्लिश द टाइटल नो इट इज नॉट रिक्वायर्ड सो ए इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट सेवेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड एज पर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द एक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड ऑफ पार्टनरशिप इसको करवा सकते हैं

प्रज ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी द कोर्ट विशूर डिग्री ऑफ डिक्लेन या फिर आज देंटिव टू क्लेमसिक्वेंशल रिलीफ ऑफ पोजेशन कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मांग सकते हैं ना सी इसका आंसर रहेगा कौन सा लगेगा थर्टी फोर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नेक्स्ट से ए थर्टन टू पब्लिश स्टेटमेंट कंसर्निंग बी विच वुड बी पनिशेबल अंडर चैप्टर ट्वेंटी इंजंक्शनिंग ए फिशिंग द स्टेटमेंट तो कोर्ट में ग्रांड इंजंक्शन इवन दो इट इज शोन दट इट इज नॉट इंजूरियस टू बीज प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं द कोर्ट में रिफ्यूज इंजेंशनिकेशन इज नॉट इंजूरियस टू बीज प्रॉपर्टी या फिर ए इसका आंसर रहेगा ये भी देखिए थ्रेट आ गई ना तो तो इंजंक्शन दे सकते हैं नेक्स्ट थर्टी वन द रिलीफ प्रोडक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज क्या है डिस्क्रिशनरी मैंडेटरी देखिए रिपीट क्वेश्चन अगैन एंड अगेन हर बार बताया मैंने बिफोर ट्वेंटी एटीन अमेंडमेंट इट वॉज डिस्क्रिशनरी अब जो है मैंडेटरी हो जाएगी अगर अभी आएगा तो मैंडेटरी लगाएंगे नाइ थर्टी टू इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंट कैन सीक का रिलीफ ओनली इफ़ ही स्टाब्लिशिज दैट प्राइम फेसिक केस इज इन फेवर बिल्कुल ठीक है या फिर ही वॉज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है बैलेंस ऑफ कन्वींस इज इन फेवर या फिर ही मे सफर इिपेरेबल लॉस तो बी इसका आंसर रहेगा सेक्शन सिक्सटीन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा वैसे देखिए तो सारे ही एप्लीकेबल हो जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन में कमा की प्रॉपर नहीं बनाया था उस टाइम पर ये थर्टी थ्री फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक लीव कैन भी ग्रांटेड फॉर एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नोट एनफोर्सिंग पिनल लॉ बिल्कुल ठीक है ये नोट फॉर एनफोर्सिंग नो पिनल लॉ बोथ नो ए इज द आंसर अगेन दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन नहीं थर्टी फोर नो सूट फॉरवरी प्रदेशन मे भी इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन सिक्स और स्पेसिफिक अगेंस्ट दवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट ए इज द आंसर सेक्शन बताई दिया ने सर्टिफाई फाइंड आउट इनक स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंरी इंजंक्शन रिलीफ ग्रांटेड एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट बिल्कुल ठीक है ये सच एज आर ऑफ कंटिन्यू कंटिन्यू ए स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड सच सच एज मतलब इंजंक्शन आर टू अ टाइम और द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिल्कुल ठीक है ये रेगुलेटेड बाय सी पी सी बिल्कुल ठीक है कैन नॉट बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट ये गलत है इट कैन बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ सूट इनकरेक्ट हो गया डी इज द आंसर नेक्स्ट थर्टी सिक्स इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केसेज वुड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट वेद प्रॉपर्टी नॉट एन ऑर्डनरी आर्टिकल ऑफ कॉमर तो यहाँ तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे देंगे फिर प्रॉपर्टी गुड्स विच आर नॉट इजिल ऑप्टेनेबल इन मार्केट तब दे देंगे वेर द मनी कैन बी अफोर्डेड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस एज एडोट रिलीफ तब जो है एनफोर्स नहीं कर सकते वेर देर एज नो स्टैंडर्ड एक्चुअल डैमेज कॉज बाय दॉन परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रेक्ट अब देखिए जो ये सी ऑप्शन है ये ट्वेंटी एटीन की अमेंडमेंट के बाद जो है चेंज कर दिया गया है एज पर सेक्शन फोर्टीन अब इसको डिलीट कर दिया गया है अब इसकी जगह क्या आ गया सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस एज पर सेक्शन ट्वेंटी नेक्स्ट थर्टी सेवन विच फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी भी स्पेसिफिकलीफोल्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोर्टीन ऑफ द एक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड ऑफ पार्टनरशिप इसको कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल इन इट्स नेचर इसको नहीं कर सकते एक्शन फोर्टीन क्लॉज डी देखिए इसके लिए है ना एग्जीक्यूटिव मोटे यहां कर देंगे तो सी इसका आंसर रहेगा सो फ्रेंड्स हियर वी हैच केम इन द एग्जाम पेपर ऑफ एम पी जुडिशियल सर्विस फ्रॉम दर टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कोई सजेशन हो कोई एडवाइस हो कोई कमेंट्स हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएटिव कमेंट्स एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन कम टू कम अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली की उस ए सुपर थैंक्स सुपर थैंक्स इज़ अ वे टू अप्रीशिएट द कंटेंट क्रिएटर आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रीशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं फ्रॉम तो काइंडली की सुपर थैंक्स सो फ्रेंड्स थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू